नहीं बेजान, पूरा खत्म तो करें। ना बेटा, तुम्हारे कहने से इतना भी पी लिया मैंने, सच बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। बस अब नाराज है ना मुझसे? अरे नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? तुम्हारे और शाहराम की वजह से तो इतने अच्छे दिन गुजर गए हैं मेरे यहाँ। बहुत खुश रही हूँ मैं यहाँ पर। मेरी सारी उदासी, सारी तन्हाई दूर हो गई। बहुत अच्छी यादें लेकर जाऊंगी यहाँ से। बीजान, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, बहुत ज्यादा खुश। तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा क्या है। अरे बहुत गुजर गई है और जो रह गई है उसका अल्लाह मालिक है। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि तुम्हें कभी खुद से जुदा ना करूं, और शायद इसीलिए ये आरजू कर बैठी थी कि तुम और शाहराम एक हो जाओ। इस तरह कम से कम तुम मेरे करीब तो रहती। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही अरसला, और वैसे भी मेरा क्या हक है तुम्हारे ऊपर? बेजान, मेरी जिंदगी के हर फैसले पर आपको पूरा इख्तियार है। मैं जानती हूँ कि मेरे इनकार करने से आपको बहुत दुख हुआ है, मुझे माफ कर दे। मुझे आपका फैसला कबूल है। बहुत अच्छा लड़का है बेटा, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। अच्छा चलो लाओ नंबर, मिलाओ जल्दी से, मैं तुम्हारे अब्बा से अभी बात करती हूँ। शाहराम को जानते हैं, वो बहुत खुश होंगे ये सुनकर। बीजान, अभी अब्बा से नहीं बात करें। अरे क्यों, क्यों बात ना करूं? बाप है तुम्हारे, और सबसे पहले तो उन्हीं की इजाजत जरूरी है ना। चलो चलो मिलाओ नंबर। बीजान, अभी अब्बा से बात नहीं करते ना, जब मैं वापस चली जाऊंगी ना तब कर लीजिएगा। अभी ना बस सब बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे कुछ अजीब नहीं लग रहा बेटा, समझ गई हूँ मैं। शर्मा रही हूँ। लड़कियां अक्सर ऐसे मौकों में बौखला जाती हैं, मगर तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बेटा। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है अरसला, बहुत बड़ी है। जीती रहो, खुश रहो और हमेशा मेरे साथ रहो।